हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्कल। आज हम इनर्शिया पर डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनर्शिया, देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, फिर हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स कि इनर्शिया के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, देन कौन कौन सी एप्लीकेशंस एंड एक्सपेरिमेंट में इनर्शिया का यूज़ होता है, या फिर हम डेली लाइफ में इनर्शिया को किस तरह से कौन कौन से एग्जांपल्स में डिफाइन कर सकते हैं। आज हम इस पर पूरी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, रेजिस्ट करती है चेंज को, चेंज टू द स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट। मतलब कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो किसी बॉडी की ये प्रॉपर्टी कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाता है इनर्शिया। देन इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में किसी बॉडी की अगर स्टेट रेस्ट है या फिर किसी बॉडी की अगर स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी बॉडी जो है, वो जो बॉडी है वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन रखे, ये टेंडेंसी होती है इनर्शिया। ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और यही प्रॉपर्टी किसी मैटर की क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, तो वो बॉडी के मास पर भी डिपेंड करती है इनर्शिया। द ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, या फिर इनर्शिया जो है उस बॉडी का, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। बोथ मास एंड इनर्शिया आर मेजर्ड इन दी सेम यूनिट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज ऑफ थ्री टाइप्स। इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बताई गई है, किसी बॉडी की रेस्ट स्टेट या फिर किसी बॉडी की मोशन में जो स्टेट रहती है वो, और थर्ड हम बात करेंगे उस बॉडी अगर वो मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शियाज। फर्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स, मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है वो सडनली स्टार्ट होती है, तो जो पर्सन उसके अंदर बैठे हैं वो पहले कौन सी स्टेट में थे, वो रेस्ट स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है वैसे ही वो क्या होता है, वहाँ पर एक झटका लगता है और जो बॉडी है, जो पर्सन उसके अंदर बैठे हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। When a train suddenly starts, the passenger sitting inside tends to fall backward. तो backward direction में वो move हो जाते हैं। It is because the lower part of his body starts moving with the train. तो जो lower part है passenger का, वो क्या करता है, जैसे ही ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है सडनली, वैसे ही जो पैसेंजर का लोअर पार्ट है वो भी ट्रेन के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जो अपर पार्ट है वो कैसा है, वो रेस्ट में है, तो अपर पार्ट पे एक सडनली हिट लगेगा, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हिट लगता है। तो इट इज़ बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द ट्रेन वाइल द अपर पार्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शियल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट का जो इनर्शिया है वो क्या है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अब हम बात करें कि अगर ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन से जो फीट है वो टच्ड है,
तो पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है वो ट्रेन के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन अपर जो पार्ट है वो रेस्ट में होने के कारण वहाँ पर इनर्शिया काम करेगा रेस्ट का, जो अपर बॉडी पार्ट को रेस्ट में ही रहने के लिए फोर्स करेगा। यानी जो अपर पार्ट है वो सडनली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन का इनर्शिया क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या काम करेगा? एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कौन सी स्टेट के लिए? मोशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, अगर कोई ट्रेन या फिर बस अगर स्टार्ट होती है तब तो बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है, एक हिट लगता है, वो तो हो जाएगा रेस्ट का इनर्शिया। लेकिन अगर मोशन का इनर्शिया अपन को बताना है तो क्या होगा? व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, अगर मूव करती हुई कोई व्हीकल है वो सडनली स्टॉप होता है, अ पैसेंजर्स सिटिंग इन इट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, तो अब क्या होगा? जो हिट लगेगा, जो अपर बॉडी पार्ट है जो मूव करेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में करेगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इट इज़ बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट वाइल द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि जो बस है वो सडनली स्टॉप होती है, जो लोअर बॉडी पार्ट है उसके साथ ही स्टॉप होता है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो मोशन में रहता है अभी भी। तो सडन अगर ये जो बस है वो रुकती है तो जो झटका लगेगा वो लोअर बॉडी अपर बॉडी पार्ट पे लगेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर हम रेस्ट की बात करें तब तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं तो मोशन में क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हिट लगेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का इनर्शिया क्या है? दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस काम करता होता है वही क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। यानी बॉडी जो है वो अगर डायरेक्शन को चेंज करती है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस काम करेगा वही क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स टेंड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी क्या कर रही है? कंटिन्यू मूव कर रही है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हम किस तरह से इनर्शिया के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं? व्हेन द कार्डबोर्ड इज फ्लिक्ड द कॉइन फॉल्स इन टू द ग्लास, अगर सडनली हम क्या करें, इस कार्डबोर्ड को क्या करें, एक हिट दें, एक उंगली से और अंगूठे की हेल्प से क्या करें, एक हिट दें, तो वो अपन बहुत ही फास्ट हिट दे रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो रेस्ट पोजिशन में हमारे पास कॉइन है कार्डबोर्ड पर, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट पोजिशन ही बनाए रखेगा और वो फॉल डाउन हो जाएगा ग्लास के अंदर, और ये जो कार्डबोर्ड है वो मूव होता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। मैंने कार्डबोर्ड इज फ्लिक्ड द कॉइन फॉल्स इन टू द ग्लास, दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द कॉइन मेंटेन्स इट्स स्टेट एट रेस्ट। कॉइन की जो स्टेट है वो रेस्ट पोजिशन में है, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि कार्डबोर्ड को मूव किया जा रहा है, तो सिर्फ कार्डबोर्ड ही मूव होगा, कॉइन की जो रेस्ट स्टेट है वो रेस्ट स्टेट ही बनी रहेगी। Maintains its state at rest and it falls into the glass due to gravity. और ग्रेविटी के कारण जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, द कार वॉज स्टॉप अब्रुप्टली बट द इनर्शिया ऑफ द मैन कीप्स हिम इन द फॉरवर्ड मोशन एंड थ्रोज हिम फॉरवर्ड। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ लिया है। फिनोमिना पढ़ते हैं अब हम कि when a bus stops abruptly या फिर suddenly अगर stop होती है, the passengers lurch forward, forward direction में क्या होते हैं, lurch होते हैं। Train comes to halt, देखिए यहाँ पर motion of a train दिखाया हुआ है, तो ये forward direction इसकी बताई हुई है, train in motion, अगर motion में है तो इस तरह की position होगी। Train slows down after applying brake,
ब्रेक के बाद अगर स्लोज डाउन होती है तो ये थोड़ा सा अपर बॉडी पार्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अपेरेंट फोर्स ऑन पैसेंजर, तो ये क्या है, अपेरेंट फोर्स है। ट्रेन कम्स टू अ हॉल्ट, तो मोशन ऑफ ट्रेन, अगर इस डायरेक्शन में मोशन होगी तो क्या होगी, अगर देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, स्टॉप करने के लिए बोला गया है। तो अगर जैसे भी कोई बस या फिर ट्रेन जो है वो स्टॉप होती है तो अपर बॉडी पार्ट आगे के डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ द बस एक्सीलरेट्स सडनली, अगर सडनली वो एक्सीलरेट होती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और अपर बॉडी पार्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ शार्प बेंड द पैसेंजर लर्च आउटवर्ड, व्हाई, अगर क्या बोले हम कि एक ये सर्किल है मान लीजिए या फिर कोई मुड़ाव आ रहा है। व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ शार्प बेंड, अगर शार्प बेंड है द पैसेंजर लर्च आउटवर्ड, तो यहाँ पर देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, लर्च करेगा पैसेंजर। तो वो क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, उसकी रेस्ट पोजीशन के कारण या फिर उसकी मूविंग स्टेट के कारण, किस वजह से वो करता है, और वहाँ पर जो इनर्शिया काम करेगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। व्हाई डज द डॉग शेक इट्सेल्फ आफ्टर ए बाथ, अगर एक डॉग है उसने क्या किया, बात किया, लेकिन वो क्या करेगा, शेकिंग करता है बात के बाद, तो वो क्यों करता है, इसका क्या रीज़न है। यहाँ भी इनर्शिया काम आएगा, लेकिन वो कौन सा इनर्शिया है आपको बताना है। एज यू जम्प डाउन फ्रॉम द मैरी गो राउंड वॉट मस्ट यू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉलिंग डाउन, तो अगर आप गिरो नहीं मैरी गो राउंड से तो क्या आपको क्या करना होगा कि जिसकी वजह से आपकी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप मैरी गो राउंड से नहीं गिरो, अगर जंप कर रहे हो तो। एज यू जम्प डाउन फ्रॉम द मैरी गो राउंड, अगर मैरी गो राउंड से आपने जंप किया तो ऐसा क्या करना चाहिए आपको कि आप फॉल डाउन ना हो, तो ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अ वेट अम्ब्रेला इज रोटेटेड विगरसली एंड देन स्टॉप्स अब्रुप्टली, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द अम्ब्रेला आर स्पन ऑफ बिकॉज इट्स इनर्शिया कजेस देम टू कंटिन्यू मूविंग इवन वेन द अम्ब्रेला हैज स्टॉप्ड स्पिनिंग, अगर अम्ब्रेला कोई स्पिन करता है तो जो जो ड्रॉप्स है वो क्या होती है, वो कंटिन्यू आउटसाइड आती है यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में वो गिरती है, लेकिन अगर हम मूविंग करना उसको स्टॉप कर दें, अगर स्टॉप कर दें हम स्पिनिंग, तो क्या होगा, जो ड्रॉप है वो अभी भी क्या करेगी, मूव करेगी। द हेड ऑफ अ हैमर कैन बी स्लोटेड इन टू द हैमर बाई नॉकिंग द बॉटम ऑफ द हैंडल डाउनवर्ड्स, अगर डाउनवर्ड्स हम नॉक करें इसे तो क्या होगा, द हैमर हेड विल कंटिन्यू विद इट्स डाउनवर्ड मोशन, कंटिन्यू डाउनवर्ड मोशन में रहेगा आफ्टर द हैंडल हैज़ कम टू अ स्टॉप, दिस मेक्स द अपर पार्ट ऑफ द वुडन हैंडल स्लोट डीपर, ये क्या हो जाएगा, डीपर स्लॉट हो जाएगा इन टू द हैमर हेड, वो किस वजह से है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का क्यों यूज़ है, क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है जिससे एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट अगर हो तो आपको नहीं लगे, तो इस वजह से क्या किया जाता है, एक लॉ ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और वो क्यों है, अगर मान लीजिए अचानक ये गाड़ी स्टॉप होती है, तो स्टॉप होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो बॉडी है वो मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये जो सीट बेल्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने को रेजिस्ट करता है, तो इसलिए हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट एक पढ़ रहे हैं हम, द बकेट फिल्ड विद सेंड इज़ मोर डिफिकल्ट टू बी पुश्ड बाय, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया, देखिए अगर हम इस खाली बकेट को मूव करना चाहें तो वो इजीली मूव हो सकती है, इस पर फोर्स लगाया जा सकता है, लेकिन वही फोर्स अगर सैंड मतलब ये जो रेत भरी हुई है इसके अंदर बकेट में, अगर इस रेत भरी हुई बकेट को हम पुश करें उतने ही फोर्स से, तो इतना मूव नहीं कर पाएगी जितना ये खाली बकेट कर पा रही है। तो मास का इनर्शिया से क्या रिलेशन है, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू
आइडिया ले सकते हैं. सो मास, अ मेजर ऑफ इनर्शिया. द मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटर इट्स इनर्शिया एंड द मोर फोर्स इट टेक्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो मास एंड इनर्शिया का जो रिलेशन है वो क्या है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा और उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. द अमाउंट ऑफ इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिपेंड्स ऑन इट्स मास. वॉल्यूम इज द, अब मास इज नॉट वॉल्यूम, मास को आपको वॉल्यूम नहीं समझना है. वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ स्पेस. स्पेस का मतलब है यहाँ पर तीनों डायरेक्शन आ रही है, अगर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक वॉल्यूम क्रिएट होगा. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना मास होगा, मान लीजिए एक यहाँ पर हम क्यूब बना रहे हैं, तो क्यूब बनाने के बाद हमें क्या पता लगता है कि जितना हमने क्यूब बनाया है उतना ही वह आयतन या फिर वॉल्यूम घेरता है. तो मास होगा तो वहाँ पर वॉल्यूम भी होगा, लेकिन मास वॉल्यूम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है. वॉल्यूम इज़ अ मेज़र ऑफ स्पेस एंड इज़ मेज़र्ड इन यूनिट सच एज क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मीटर्स एंड लीटर्स. मास इज़ द मेज़र ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किलोग्राम्स. मास इज़ नॉट वॉल्यूम. द पिलो हैज़ अ लार्जर साइज. अब देखिए पिलो की साइज़ कैसी है, लार्जर है, बट अ स्मॉलर मास देन द बैटरी. ये बैटरी है. अब डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करेगा कि मास जो है जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होगा. अब पिलो जो है लार्जर साइज़ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये ज़्यादा वॉल्यूम घेर रहा है स्पेस में. कंपैरिजन करेंगे हम इसका बैटरी से, तो बैटरी जो है इसके कंपैरिजन में कम वॉल्यूम घेरता है. लेकिन हम बात करें इसके मास की, तो पिलो जो है ज़्यादा वॉल्यूम घेरने के बाद भी इसका जो मास है वो कम होता है बैटरी से. तो मास को हम वॉल्यूम नहीं मान सकते. द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए पर्टिकुलर स्टोन इज़ द सेम वेदर द स्टोन इज लोकेटेड ऑन अर्थ, ऑन द मून और इन आउटर स्पेस. अगर हम कहीं भी क्या करें, एक अमाउंट ले किसी मटेरियल का पर्टिकुलर स्टोन में, तो ये स्टोन अगर यहाँ रखा गया है या फिर अर्थ पर रखा गया है या मून पर रखा गया है या फिर आउटर स्पेस में कहीं भी रखा गया है, उसका जो मटेरियल है या फिर अमाउंट ऑफ मटेरियल है, अमाउंट ऑफ मटेरियल को ही हम क्या बोलेंगे, उसका मास बोलेंगे. तो मास हर जगह सेम रहता है, लेकिन चेंज किस में आता है, चेंज आता है उसके वेट में. तो द अमाउंट ऑफ इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिपेंड्स ऑन इट्स मास. 1 किलोग्राम वेट 10 न्यूटन 1 kg. 1 किलोग्राम वेट 10 newtons. देखिए 1 किलोग्राम ऑफ नेल्स वेज 10 newtons विच इज इक्वल टू 2.2 pounds. अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लेस द बैग ऑफ नेल्स वेज लेस. मतलब जहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, इसका जो वेट है कम होता जाएगा. मैंने आपको बताया कि मास जो है वो तो हर जगह सेम रहता है स्पेस में, चाहे वो अर्थ पर हो या मून पर हो या फिर आउटर स्पेस में हो, मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है, सेम होता है. क्यों? क्योंकि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है उसके अंदर उसका अमाउंट होता है, लेकिन जो वेट है वो डिपेंड करता है कि उस जगह की ग्रेविटी क्या है. तो ग्रेविटी लेस होगी तो वहाँ पर वेट जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा. जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पर वेट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. जैसे अगर अर्थ और मून की बात करें, तो मून पर जो ग्रेविटी है, मून पर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कम है कंपेयर टू अर्थ. तो अर्थ पर जो वेट मान लीजिए ज़्यादा है, तो वही जो वेट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा मून पर. द मूविंग अर्थ अगेन. The law of inertia states that object in motion remain in motion if no unbalanced forces act on them. Unbalanced force अगर act नहीं कर रहा है उस पर, किसी भी body पर, तो क्या होगा, अगर कोई body motion में है तो वो हमेशा क्या रहेगी, motion में रहेगी. Arguments हम देख लेते हैं. Consider a bird sitting at rest in the top of the tall tree. अगर एक tall tree पर क्या है, एक bird जो है वो बैठी है, rest में है,
द बर्ड सीज अ वॉर्म, वो ये क्या देखती है, एक वॉर्म देखती है, ड्रॉप्स डाउन वर्टिकली एंड कैचेस इट. इट वॉज आर्ग्यूड दैट दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इफ अर्थ मूव्ड एज कॉपरनिकस सजेस्टेड. अगर कॉपरनिकस ने जैसे सजेस्ट किया कि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो किसी वॉर्म को किसी बर्ड के द्वारा इस तरह से पकड़ना, कैच करना, जो कि वर्टिकली डाउन आता है, वह पॉसिबल नहीं है. द फैक्ट दैट बर्ड्स डू कैच वॉर्म्स फ्रॉम हाई ट्री ब्रांचेस सीम टू बी क्लियर एविडेंस दैट अर्थ मस्ट बी एट रेस्ट. तो एक बर्ड अगर कैच कर रही है उस वॉर्म को, तो कैसा प्रतीत होता है कि एक एविडेंस हमें मिलता है, क्लियर एविडेंस मिलता है कि अर्थ जो है वो मस्ट बी एट रेस्ट होनी चाहिए, मतलब अर्थ जो है वो रेस्ट में होनी चाहिए. लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बोला कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है. तो ऑब्जेक्ट मूव विद अर्थ, अर्थ मूव्स एट 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बट सो डू द ट्री, द वॉर्म बिलो द एंड इवन द एयर इन बिटवीन. ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ मूव विद अर्थ एज अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अगर सन के अराउंड जैसे अर्थ मूव कर रही है, वैसे ही अर्थ के साथ जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अर्थ डज नॉट नीड टू बी एट रेस्ट फॉर द बर्ड टू कैच द वॉर्म. बर्ड के लिए वॉर्म को कैच करना, करने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, अर्थ जो है डज नॉट नीड टू बी एट रेस्ट, अर्थ को रेस्ट पर होना ज़रूरी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोपरनिकस ने बताया कि सन के अराउंड जो अर्थ है वो चक्कर निकाल रही है, तो इस अकॉर्डिंग तो बर्ड जो है वो वॉर्म को कैच नहीं कर सकती. और अगर वो वॉर्म को कैच कर रही है, क्लियर एविडेंस है, तो अर्थ को कैसी होनी चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए. लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही जो सजेशंस हैं वो गलत होते हैं. इसका मतलब क्या है, जो अर्थ है वो रेस्ट पर हो, ये ज़रूरी नहीं है बर्ड को वॉर्म को कैच करने के लिए. तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. आज हमने इनर्शिया पढ़ा है, इनर्शिया के टाइप्स पढ़े हैं, उसके एग्जांपल्स, एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं. तो इनर्शिया पे हमने डिटेल स्टडी कर ली है. कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़े हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताने हैं. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.